पटना पराठा बिरयानी वाला। पटना में चावला नाम का व्यक्ति पराठा बिरयानी बनाकर बेचता था। वो पराठे के अंदर बिरयानी रखकर बेचता था। उसे खाने लोग दूर दूर से आते थे। खास तौर पर बच्चे उसे खूब पसंद करते थे। छुट्टियों में लोगों की वहां भीड़ लगी रहती थी। एक दिन अपने ठेले के पास अपनी पत्नी उमा से चावला, भगवान इतनी बड़ी भीड़ को हम दोनों नहीं संभाल सकते, हमारे पास दो और व्यक्ति काम पे लग जाते तो अच्छा होता, जरा अपने भाई को फोन लगा कर पूछो कि कोई भरोसेमंद आदमी मिलता है कि नहीं। तब उमा, क्या दो लोगों को नौकरी पर रखोगे? अरे जानते भी हो कि उन्हें वेतन कितना देना होगा। चावला, अरे कोई बात नहीं, हम दोनों भी बिजी है ना, हमसे हो नहीं रहा, दो लोगों की जिंदगी बन जाएगी, अपना क्या नुकसान है। ये बात वहीं बिरयानी खा रहे राठौड़ नाम के चोर ने सुन ली। वो अपने दोस्त किरण के पास गया और किरण से, यार किस्मत अपनी खुल गई है, हम इस शहर में चोरी करने आए थे बस, और बस अभी अभी पराठा बिरयानी वाले दुकान पर वेकेंसी निकली है। किरण, यार पर मुझे यकीन नहीं होता, ज्योतिषी ने तुम्हारे साथ काम करने से मना किया है, उसने कहा था कि तुम्हारी मुसीबतें मेरे सर पड़ेंगी, मैं सोच रहा हूँ यार कि क्या करें, और अब तुम आकर कह रहे हो कि बिरयानी सेंटर में काम करना होगा। राठौड़, अरे बंद करो तुम्हारा बकवास, अब तुम और तुम्हारी ज्योतिषी, अब चोरी करने के लिए गली गली घूमना होगा, लेकिन अगर हम बिरयानी के ठेले में काम करने लगे तो सब लोग वहाँ आएंगे अपने ठेले के पास, तब पैसे वालों को अगर हम टारगेट करेंगे तो अपना काम आसान हो जाएगा। यार हर बात के लिए अकल की जरूरत होती है। तब किरण मान गया। अगले दिन दोनों चावला के पास गए और नौकरी की मांग की। तब चावला, अरे भाई क्या बात है, तुम दोनों सही वक्त पर आए हो, मैं ठीक दो व्यक्तियों की तलाश में था और तुम दोनों आ गए, और तुम दोनों कहते हो कि तुम इस शहर के नहीं हो, तो मेरे घर के पास ही एक छोटा सा कमरा है, तुम दोनों वहीं रह लो। दोनों ने ठीक है कहा और चावला के पास काम पर लग गए। वो बिरयानी बनाने में चावला की मदद करने लगे और दिन भर दुकान पे काम करते थे और रातों को गली गली घूमकर रेकी करने लगे। यूं कई दिन बीत गए। यूं एक दिन रात को दोनों गली गली घूम रहे थे कि तभी एसआई ने गाड़ी रोका और उन्हें बुलाकर उनसे पूछताछ करने लगा। इनके जवाबों से एसआई को शक हुआ, उसने इन दोनों को गिरफ्तार किया और पुलिस स्टेशन ले गया। पुलिस स्टेशन ले जाकर राठौड़ और किरण की उसने खूब पिटाई की। जब उन्होंने कहा कि वो चावला के पास काम करते हैं, तब ऐसे ही सवेरे उन दोनों को चावला के ठेले के पास ले गया और चावला से इनके बारे में पूछा। तब राठौड़ चावला से, भाई साहब हमें माफ कर दीजिए, गांव में हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इसीलिए रात को काम के लिए हम सारा शहर ढूंढ रहे थे भाई साहब, तभी ऐसे ही साहब की नजर हम पर पड़ी, बस यही हुआ था भाई साहब। ये सुनकर ऐसे ही, अच्छा तो इसी बात के लिए तुम दोनों इतने टेंशन में थे हैं? मैंने सोचा तुम बहुत बड़े चोर हो, यानी तुम दोनों को रात के लिए काम चाहिए है ना, तो ठीक है मैं एक जगह जानता हूँ, वहाँ पर तुम दोनों वॉचमैन की नौकरी कर लेना। इस तरह उसने दोनों को अपने जीप में बिठाया और एक अमीर आदमी के घर ले गया और घर के मालिक से बात करके वहाँ दोनों को वॉचमैन की नौकरी दिलाई। उसके बाद उसने किरण और राठौड़ दोनों का नाम, गांव में घर का पता, सारे विवरण लिए। ये देखकर किरण को बहुत गुस्सा आया। बाद में किरण और राठौड़ अपने घर लौटे। घर आकर किरण ने एक डंडा उठाया और राठौड़ से, किरण कमबख्त बेकार निकम्मे, मुझे यहाँ चोरी करने ले आया और मुझसे बर्तन मंजवाता है, हैं? पहरेदारी कराता है कमीने। कमीने, उस ज्योतिषी ने जो कहा उसको तूने सच कर दिखाया, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से उड़न छू होकर, जिससे जो कहना है कह लेना, अगर मुझे ढूंढते हुए पुलिस गाँव पहुँची तो बच्चू तेरी खैर नहीं। यूँ कहकर राठौड़ को खूब मार कर वो वहाँ से चला गया। तब से लाचार होकर पराठा बिरयानी के ठेले में काम करता हुआ जिंदगी गुजारने लगा।